स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो सब पढ़ो में। आशा है मेरे सारे विद्यार्थी स्वस्थ और खुश होंगे और अपने मौखिक अभ्यास के लिए तैयार होंगे। तो आज के पाठ में मैं लाई हूँ धन की खोज। धन की खोज इस पाठ में इस चीज को दर्शाया गया है या इस चीज को बताया गया है कि सदाचार, सदाचरण और सचरित्रता व्यक्ति का सबसे बड़ा धन होता है। सदाचारी व्यक्ति निर्धन होने पर भी समाज में उच्च सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो यदि हमारा व्यवहार सबसे अच्छा है, बोला भी जाता है कि व्यवहार ही आपका परिचय है, तो व्यवहार से जो है हमको किसी को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, हम अपना परिचय खुद ही दे देते हैं कि हम किस तरह की व्यक्ति हैं। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। तो ये कहानी देखते हैं, आप ध्यान से सुनिए और ये मौखिक अभ्यास के लिए मैं पढ़ रही हूँ। तो शुरू करते हैं धन की खोज। आप ध्यान से देखिए शब्दों को। प्राचीन समय की बात है, तब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आजकल की तरह विद्यालय नहीं हुआ करते थे, छात्र गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक प्रसिद्ध गुरुकुल था, वहां के गुरु बहुत विद्वान थे, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन गुरुजी अपने आश्रम में उदास बैठे हुए थे। विद्यार्थियों ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। गुरुजी विद्यार्थियों ने उनसे उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मेरे सामने एक गंभीर समस्या आ गई है। मेरी पुत्री विवाह योग्य है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है जो मेरे पास नहीं है। गुरुजी की समस्या सुनकर कुछ विद्यार्थी जिनके माता पिता धनवान थे बोले, गुरुजी हम अपने माता पिता से कुछ धन लाकर आपको देंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, मैं इस प्रकार का धन नहीं ले सकता। तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि मैं लालची हूँ, मैं ही धन मांग रहा हूँ। सभी विद्यार्थी पुनः सोचने लगे। तभी गुरुजी बोले, मेरी समस्या का एक समाधान है। मैं चाहता हूँ कि तुम धन तो लाओ किंतु किसी से मांग कर नहीं। तुम उसे इस प्रकार लाओ कि धन लाते समय तुम्हें कोई देखे नहीं, इस प्रकार मैं लोभी नहीं कहलाऊंगा। तुम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम जो वस्तु लाओ, जो भी वस्तु लाओ, उसे कोई देखे नहीं, वरना वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। सभी शिष्यों ने अपने गुरु की बात मान ली। उन्होंने गुरु से कहा, हम जो भी लाएंगे इसी प्रकार लाएंगे कि उसे कोई न देखे। दूसरे दिन सभी शिष्य गुरुजी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं लाने लगे। गुरु उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने लगे। कुछ दिनों बाद गुरुजी के पास अपनी पुत्री के विवाह के लिए पर्याप्त धन एवं वस्तुएं एकत्रित हो गई। सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने गुरु के लिए कुछ न कुछ सामग्री लाकर दी थी, किंतु एक विद्यार्थी अब भी ऐसा था जिसने गुरु को कुछ भी लाकर नहीं दिया था। गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, वत्स, तुमने मुझे अब तक कुछ भी लाकर नहीं दिया, क्या तुम्हारे माता पिता बिल्कुल निर्धन हैं? शिष्य बोला, गुरुवर, मेरे माता पिता धनहीन नहीं हैं, किंतु मैं कुछ भी नहीं ला सका। क्यों, क्या तुम अपने गुरु की सेवा नहीं करना चाहते? गुरुजी ने कहा। शिष्य बोला, गुरुजी आपने कहा था जो भी वस्तु तुम लाओ इस प्रकार लाना कि तुम्हें लाते हुए कोई देखे नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया किंतु मुझे ऐसा कोई ऐसा अवसर ही नहीं मिला जब कोई मुझे ना देख रहा हो। गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिला ही होगा जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो, तब कुछ भी ला सकते थे। शिष्य बोला, गुरुवर आप ठीक कहते हैं, जहां मुझे कोई ना देख रहा हो वहां भी ईश्वर तो मुझे देखता ही है, फिर ऐसी वस्तु तो विवाह के लिए अशुभ हो जाती।
अतः मैं कुछ भी लाने में असमर्थ रहा। गुरुजी ने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है, तूने गलत कार्य नहीं किया। मुझे किस प्रकार के धन की आवश्यकता, किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था, तू परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा है। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन ही नहीं, एक योग्य एवं गुणवान युवक की तलाश थी। वह मुझे मिल गया। मेरा सच्चा शिष्य तू ही है, मेरी कन्या के लिए तू ही योग्य वर है। और यह पाठ जो था, ये जातक कथा से लिया गया है। तो देखिए कितना सुंदर पाठ था कि वह जो शिष्य था वह कितना सच्चा था, कि उसने उस बात को कितनी गहराई से सोचा और अपनी जो अपने चरित्र से, अपनी सच्चाई से उसने अपने गुरु का दिल जीत लिया और जो है उसने धन की खोज, यानी जो भी कहा गया है कि धन की खोज ने जो है गुरु को उनकी कन्या के लिए एक सच्चे वर की जो तलाश में उन्हें सफल कर दिया। तो आप इसको पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए और इसे अपने जीवन में भी उतारिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।